पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीफ के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी रेड मीट या फिर बीफ के बारे में सुना है? अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं, तो शायद ही आप इस चीज के बारे में डिफरेंस जानते होंगे। दरअसल बीफ का अगर हिंदी मतलब कहूँ तो इसका मतलब है लाल मांस, जिसको कहते हैं रेड मीट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बीफ का हिंदी मतलब लगता है भैंस, जबकि दोस्तों इसका असली मतलब है रेड मीट, लाल मांस। तो आज हम आपको बीफ के फायदे साथ में नुकसान बताएंगे। इसके अलावा रेड मीट लिस्ट में कौन कौन से जानवर शामिल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ढेर सारी बातें बीफ के बारे में होंगी। रेड मीट ज्यादातर स्तनधारी जानवरों से प्राप्त होता है। रेड मीट का रंग अधिक लाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि बीफ जितना अधिक लाल कलर में होगा वो उतना ही हाई फैट से भरा होगा। अगर हम दोस्तों उन जानवरों की बात करें जिससे रेड मीट मिलता है, तो उसमें लैम्ब, सुअर, हैम, भैंसा, मटन शामिल है। ये सभी मौजूद जानवर है जिनसे लाल मांस रेड मीट मिलता है। दोस्तों, अगर रेड मीट के फायदे की बात करूं तो बहुत सारे इसके अंदर फायदे हैं, जैसे कि इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, आयरन, जिंक, विटामिन बी, ये सभी इसके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी बीफ खाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बीफ के नुकसान की बात करें तो अगर जो लोग बीफ खाते हैं तो उन्हें अल्जाइमर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हार्ट अटैक की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा ये मोटापे को भी काफी ज्यादा दावत देता है। टाइप 2 डायबिटीज को ये पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोलन कैंसर के खतरे को भी ये बढ़ा सकता है। तो ये सभी नुकसान थे जो कि बीफ खाने से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि रेड मीट खाने से फायदे और नुकसान दोनों हैं, बशर्ते अगर आप उसे एक लिमिट मात्रा में खा रहे हैं तो ये आपके लिए फायदा है। इसके अलावा दोस्तों, रेड मीट में एक सबसे बड़ी बात है कि रेड मीट प्रोसेसिंग। आज के समय में लोग मुनाफा कमाने के लिए स्तनधारी जानवरों को हार्मोन्स इंजेक्शन देते हैं। इसके वजह से ये जानवर असाधारण तरीके से बड़े हो जाते हैं, और इसीलिए आज के समय में इनका सेवन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको मैं बता दूं कि प्रोसेस्ड मीट बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, ये सभी फायदे और नुकसान थे बीफ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।